डीजल वीजल फुल कराते हैं, कोई अच्छा होटल देख के लगाएंगे, वहीं खाना वाना बनाना होगा तो बनाएंगे, नहीं तो होटल नहीं खाएंगे। और गुड मॉर्निंग, टाइम हो गया है 5:30 सुबह का और हम आ गए हैं बिजनी टोल। ये देखिए रात भर चला के, अभी तो 6 बजा है लेकिन रात भर चला के यहाँ पर बिजनी टोल में आ गए हैं। और रात को हमारे साथ एक घटना हो गया है, देखिए दोस्तों, एक वही हाई घाटी में एक हाईवा वाला ने एक गाड़ी दाब दिया, जितना बचाने का कोशिश किया राहुल, तो फिर भी ये वाला नुकसान हम लोग का हो गया। वो हाईवा वाला मेरे सामने से ही गुजरा, हम पीछे में थे और वो सामने से ही गुजरा मेरा से, एकदम पास लेते हुए एकदम पूरा स्पीड से, और उसके बाद इसका गाड़ी में पूरा मारने वाला था, लेकिन थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा टच हो के, मतलब इतना थोड़ा सा ही टच हुआ है कि देखिए इतना नुकसान है, अगर मार देता तो क्या हो जाता है। इस केबिन का नया नया केबिन है, बोलिए कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। तो ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन ये नया नया गाड़ी का कंडीशन खराब कर दिया है, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर भी क्या कर सकते हैं। और वो भाग भी गया, मार के तुरंत भाग गया, मैं बोल गया। हाईवा वाला जहाँ भी होता है वो लोग ऐसा ही करता है, जहाँ का भी वो लोग लोकल बंदा होता है
जहाँ भी चलाए तो लोग का मतलब चलाना ही ऐसा ही है, टिप लोग का टिप सिस्टम होता है, इसीलिए लोग गड़बड़ में चलाता है। तो गड़बड़ी में चलाने से भाई गड़बड़ होता ही है, जो कि ये देख रहे हैं नुकसान हो गया। राहुल देखिए परेशान है, तो ज़्यादा परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मालिक को बोलेंगे समझाएंगे, अच्छा समझ जाएगा। तो यहाँ पहुँच गए हैं, चलिए चाय वाय पीते हैं, छोटो तो गया बाथरूम में, अभी चाय वाय पीते हैं, उसके बाद रस्सी भी देखिए ढीला हो गया है, तो रस्सी भी टाइट करना है, चाय भी पीना है और चलते रहना है। तो पहले रस्सी टाइट करने का जुगाड़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, रस्सी टाइट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। हो गया है 9:20 और हम पहुंच गए हैं सहारनपुर बॉर्डर। ये देखिए यही है आसाम बॉर्डर, और थोड़ा दूर जाने के बाद अपना बंगाल घुस जाएगा। तो इसीलिए हमारा डीजल वहां से बनीहाट से आए, तो मेघालय से आए, तो देखिए फुल कर आए थे, अभी इतना है। तो आसाम में डीजल सस्ता मिलता है, तो यहां से फिर से फुल करा लेंगे, तो फिर उधर लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। शायद हो सकता है तो 1-2 हज़ार लेने का जरूरत पड़े, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो हो ही जाना चाहिए अगर यहाँ पर फुल करा देंगे तो। तो यही टंकी फुल करा लेते हैं, और रात भर से तो 12 बजे वहाँ से खुले थे और अभी 9 बज रहे हैं, तो समझ लीजिए 12 से 6 घंटा और 3 घंटा। 3 घंटा में हम लोग 200 समथिंग, मतलब 300 के करीब मानिए, 280-290 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं, यानी 300 किलोमीटर आ गए हैं 9 घंटा में। अपना रुक रुक के आराम से ही आए हैं, तो रात रात को आए हैं, अब डीजल वीजल लेते हैं और डीजल लेके कहीं पर देखते हैं होटल वोटल में लगा के। अब दिन में तो चलाना है नहीं, रात को बहुत टाइम दिया है दिन में, अब रात को ही चलाने से बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब टायर गर्म हो रहा था, दिन में चलाएंगे तो अलग ही केस हो जाएगा। तो डीजल वीजल फुल कराते हैं, कोई अच्छा होटल देख के लगाएंगे, वहीं खाना वाना बनाना होगा तो बनाएंगे, नहीं तो होटल में ही खाएंगे। और क्या, और उसके बाद सो लेंगे थोड़ा, उसके बाद शाम को मतलब मौसम ठंडा होगा तब निकलेंगे यहाँ से। तो देखिए ऐसे भी गंदा हो गया है, तो नहा धो लेंगे, खाना खा लेंगे, अपना जैसा है कर लेंगे, दिन में सो जाना है। तो देखिए राहुल गाड़ी लगा रहा है, उसका गाड़ी लग रहा है, उसके बाद मेरा गाड़ी लगेगा। तो चलिए दोस्तों कराते हैं फिर से टंकी को फुल और देखते हैं क्या करना है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद।